Hey, what's up guys, I'm back with some best app for Android. So if you are a Android user, don't miss this video because आज की इस वीडियो में जो मैंने आपको ऐप बताए हैं वो आपके दिमाग को चकरा के रख देंगे। अगर आप एक एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र हैं, स्मार्टफोन यूज़र हैं, तो ये आपके एक्सपीरियंस को बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे पहुँचाने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, एक से बढ़कर एक ऐप है। इन ऐप के थ्रू आप अपने बहुत ही मुश्किल कामों को ईजिली कर सकते हैं। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो फिर आपने इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। सो हमारी जो पहली एप्लीकेशन है इंस्टाग्राम यूज़र के लिए है। तो अगर आप भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर फेक व्यू लाना चाहते हैं, आप अपने दोस्तों को दिखाना चाहते हैं कि कितने व्यू आते हैं मेरे, तो इस ऐप के थ्रू आप फेक इंस्टाग्राम की स्टोरी पर व्यू ला सकते हैं। इजी टू यूज़ ऐप है, सिंपली से जाके इंस्टॉल करिए एंड उसके बाद जितने आपको व्यू चाहिए वो सारी चीज़ें आप लिख के यहाँ पर ऐड कर दें एंड आपकी स्टोरी तैयार हो जाएगी। एंड इसे यूज़ करके आप अपने दोस्तों को दिखा सकते हैं कि कितने ज़्यादा मेरी स्टोरी पर व्यू आते हैं इंस्टाग्राम पर। आईफोन में एक फीचर मिलता है कि जब भी आईफोन पर आप कोई स्क्रॉलिंग वगैरह कर रहे हो, आप अगर मोबाइल के नोच पे क्लिक करते हो तो आप टॉप में चले जाते हो, बट एंड्रॉयड में आपको ऐसा कोई भी फीचर देखने को नहीं मिलता। जब भी आप एंड्रॉयड पर कोई भी आर्टिकल वगैरह या कोई स्क्रॉलिंग वगैरह कर रहे होते हो तो आपको टॉप में जाने के लिए वापस स्क्रॉल करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं किसी ऐप को प्ले स्टोर पर तलाश कर रहा हूँ, मैं बहुत नीचे आ जाता हूँ, बट मुझे पहली ऐप पर जाना है तो मैं वापस चलूँगा, स्क्रॉल करूँगा। बट अगर मैं आईफोन की तरह एक सिंगल क्लिक करूं अपने मोबाइल के नोच पे तो मैं भी वापस आ सकता हूं। तो ऐसा आप कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको एक थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करनी होगी, टॉप स्क्रॉल। इसे सिंपली अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके परमिशन अलाउ कर दीजिए एंड उसके बाद आप आईफोन का ये फीचर जब भी आप अपने मोबाइल की नोच पे क्लिक करेंगे तो आप टॉप में वापस चले जाएंगे। इस फीचर का मज़ा इस ऐप के थ्रू आप ले सकते हैं। सेल ऐप, दोस्तों हमारी लिस्ट की जो नेक्स्ट ऐप है सेल ऐप, बहुत ही ज़्यादा कमाल की ऐप है। अब प्ले स्टोर पे ऐसे बहुत सारे ऐप होते हैं जो पेड होते हैं, जिन्हें ख़रीदने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है, बट कुछ टाइम के लिए वो ऐप फ्री हो जाते हैं, उनकी कुछ ऑफ़र होती हैं। तो सेल ऐप में आप उन चीज़ों पर नज़र रख सकते हैं, उन सारी ऐप पर नज़र रख सकते हैं जो कुछ टाइम के लिए फ्री होती है। तो यहाँ पर इसके फ्री वाले सेक्शन पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो वो सारी ऐप आपके सामने ओपन हो जाती हैं जो इस वक्त प्ले स्टोर की ऑफ़र में फ्री चल रही हैं। तो यहाँ पर देखें सारी वो ऐप आपके सामने आ जाती हैं जो बिल्कुल फ्री में हमें देखने को मिल रही हैं, बट ये कुछ समय के लिए आती हैं, कुछ टाइम के लिए आती हैं। तो इस ऐप के थ्रू आप इन पर नज़र रख सकते हैं। जैसे इस ऐप को देखें, इसकी प्राइस देखें आप, पहले 200 रुपए की थी, अब ये बिल्कुल फ्री में हमें देखने को मिल रही है कुछ टाइम के लिए। तो सेल ऐप के ज़रिए आप उन सारी ऐप को मॉनिटर कर सकते हैं, उन सारी ऐप पर नज़र रख सकते हैं जो पेड हैं, जिन्हें आप बिल्कुल फ्री में इंस्टॉल करना चाहते हैं। हमारी लिस्ट की जो नेक्स्ट ऐप है एक्स ब्राउज़र, दोस्तों ये एक आम ब्राउज़र नहीं है, 1 MB इसका साइज़ है, बट इसमें आपको यूसी ब्राउज़र एंड क्रोम ब्राउज़र के सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं। एंड इवन ये उन दोनों ऐप से थोड़ा एडवांस है, इसकी स्पीड जो है वो उन दोनों ही एप्लीकेशन से काफ़ी फास्ट है। सारे मोड आपको इस ऐप में मिल जाते हैं, सारे फंक्शन, टूल बॉक्स, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं इस ब्राउज़र में। एंड इस 1 MB के ब्राउज़र में आपको क्रोम ब्राउज़र एंड यूसी ब्राउज़र से अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, तो इसलिए मैंने अपनी लिस्ट में इसको शामिल किया है। तो इसे लाजमी आप भी ट्राई करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का, बहुत ही ज़्यादा फास्ट ब्राउज़र है, एक बार इसे लाजमी ट्राई करें। सो जब आप एक्स ब्राउज़र को यूज़ करेंगे तो इस 1 MB की ऐप में आपको बहुत ही ज़्यादा अलग मज़ा आने वाला है, यूसी ब्राउज़र एंड क्रोम ब्राउज़र से अलग एक्सपीरियंस आपको इस ऐप में मिलने वाला है, तो एक बार ज़रूर ट्राई कर लें। हर एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र को ना आईफोन का एक फ़ीचर बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, इवन वो अपने एंड्रॉयड में उस फीचर को देखना चाहता है, वो है बैटरी की हेल्थ। तो आईफोन में कंप्लीट बैटरी की हेल्थ के बारे में गाइड आपको किया जाता है। आप एंड्रॉयड में इस एप्लीकेशन के थ्रू अपनी आईफोन की तरह ही अपने मोबाइल की बैटरी की हेल्थ कुछ इस तरह से देख सकते हैं। एंड इवन सारी चीज़ें, सारी आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपकी बैटरी की देखने को मिल जाती है, जैसे कि आपको आईफोन में देखने को मिलती है बैटरी का टेम्परेचर, बैटरी की हेल्थ क्या है, ये कितनी देर आपकी चलने वाली है, चार्जिंग, अलार्म और भी बहुत फीचर हैं। सो गाइज ये थे कुछ यूज़फुल ऐप, होप करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। इन सारों की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।